हाँ जी, मैं आज वीडियो एडिटिंग के एक ट्यूटोरियल के साथ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरेल वीडियो स्टूडियो 10 प्रोफेशनल के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, जिसके जरिए आप मेरी आने वाली वीडियोस को बआसानी समझ सकते हैं। चले शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोरेल वीडियो स्टूडियो का इंटरफेस ओपन हो गया है। जब कोरेल वीडियो स्टूडियो 10 का इंटरफेस ओपन होगा तो इसमें से पहले से कुछ चीज़ें मौजूद होंगी, यानी कि डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ चीज़ें होंगी। देखिए, तीन वीडियोस हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं और ये म्यूजिक्स हैं, और ये एक म्यूजिक का भी फोल्डर है, इसमें बहुत सारे म्यूजिक्स हैं। ये दो फोल्डर्स मौजूद होंगे और बाकी ये फोल्डर्स मैंने पर्सनली बनाए हैं खुद। अब ये देखें, ये टाइमलाइन का तो आपको पता ही होगा। अब मैं ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो वीडियो एडिटिंग नहीं जानते ज़रा सी भी, और जो जानते हैं वो तो खुद ही पहचान जाएंगे कहाँ पर क्या होना है। अब ये देखें, वीडियो एडिटिंग में ये टाइमलाइन कहलाती हैं, इसमें कोई भी वीडियो आपने पुट करनी है। अब ये जो ऊपर वाली टाइमलाइन है ना कोरेल वीडियो स्टूडियो में, ये मेन वीडियो की टाइमलाइन है जिस पे आप काम करेंगे, और नीचे जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन यानी कि आपको वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें पुट करनी है, कोई एनिमेट होती हुई कोई चीज़ आए, कोई सेव आए, कोई आइकन आए, वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। अब ये जो टाइमलाइन है इसमें टेक्स्ट, जाहिर सी बात है आपको कोई भी टेक्स्ट पुट करना है, कोई भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस वीडियो पे, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। और जो आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की है अपने मोबाइल के जरिए, कुछ भी किया है ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग आएगी उस वीडियो के साथ। और सबसे नीचे म्यूजिक, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक कोई भी लगाना चाहें इसमें म्यूजिक पहले से दिए हुए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वो आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अब पहले ये बताते चलो, अगर आपको अपना वीडियो बनाने शुरू करनी है तो पहले आप ये सेट कर लें कि आपको किस रेजोल्यूशन में बनानी है। सेटिंग्स, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, अब प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर आप रेजोल्यूशन सेट कर लें। लेकिन याद रखिएगा, ये रेजोल्यूशन सिर्फ इसी में काम आएगा, जब आपने वीडियो बना ली फिर आपको जब कन्वर्ट करनी है MP4 में, तो आप भले उस वक्त चेंज कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन रख सकते हैं, लेकिन अभी लो ही रेजोल्यूशन रखें क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ी हैंग होगी चलते वक्त। तो मैं 720x480 सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मोबाइल पर जाकर, यहाँ पर मोबाइल में जाकर सिलेक्ट करता हूँ। ओके ओके हो गया, अब 720 हो गया। अब मैं इसमें से कोई भी वीडियो, ये वाली वीडियो पुट करता हूँ, इस पर लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पुट कर लिया। इसमें नो किया क्योंकि ये पूछ रहे हैं इस वीडियो का रेजोल्यूशन चाहिए, ये आपके कोरेल वीडियो स्टूडियो में जा आपने सेव किया अभी अभी, जो मैंने 720 रखा था, मैंने कहा मुझे अपना वाला चाहिए, नो मैंने कर दिया। अब ये स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट होगी एडिटिंग। ये देखिए, प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल सही चल रही है, हैंग होने ही रहे वीडियो, वरना हैंग होती आप भले चेक कर सकते हैं। अगर आपकी रैम ज़्यादा है तो आप चला सकते हैं भले 1920 में। अब ये देखें, ये वीडियो हो गई, अब मुझे कोई एलिमेंट पुट करना है। अब एलिमेंट तो यहाँ पर है नहीं कोई, मैं एलिमेंट वैसे लाया, ब्राउज किया। अब जो आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये देखें डेस्कटॉप में मैंने फाइल में ये आइकन सेव किया, PNG फॉर्मेट है। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप ये देख लीजिए पहले, वो हाउ टू चेंज बैकग्राउंड और वॉट इज PNG फॉर्मेट, इसके जरिए मैंने ये बताया है कि PNG फॉर्मेट कहाँ का इस्तेमाल होता है, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है PNG फॉर्मेट, ये आप देखना ना भूलिएगा। चलिए, मैंने ओपन किया, सिलेक्ट किया, अब ये आ गया PNG फॉर्मेट। PNG फॉर्मेट को यहाँ पुट किया वैसे ड्रैग करके इस वाली टाइमलाइन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स से आएंगे, यहाँ पर पुट कर लिया। अब आप देख सकते हैं एक और फ़ायदा आपको दिख गया PNG फॉर्मेट का, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें ये स्मॉल कर सकते हैं, ये अब हमने पुट्टो कर लिया, लेकिन इसमें एनिमेशन नहीं है, यानी कि ये चलता हुआ नहीं दिख रहा है, आइकन आपको दिख रहा है ये। अब इस PNG फॉर्मेट को हम मोशन कैसे देंगे, यानी कि एनिमेट कैसे करेंगे, हम खुद भी अपनी मर्जी से चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। इसमें पहले से कुछ मोशंस दिए हुए हैं कोरेल वीडियो स्टूडियो में, आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मोशंस हैं, यहाँ से यहाँ घूमे, यहाँ से यहाँ घूमे। अब मैं यहाँ पर ये वाला आपको दिखा देता हूँ प्ले करके, ये देखें ये इस तरह यहाँ से यहाँ घूमेगा, तो मैं ये वाला पुट कर लेता हूँ विंडोज़ में पुट के। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, देखिए इतना सिंपल है, लेकिन ये बाद में आपको बताऊँगा आप खुद के मोशंस किससे बना सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ तक वीडियो रुक गई है, अगर ये क्लिप पर चल जाए, क्लिप मीन्स आपको सिर्फ ये चलाकर चेक करनी है कि ये कैसी है, कैसी चल रही है, अब ये सिर्फ चलेगी। अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट चलाना है जो आपका काम चल रहा है, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्ले कर लीजिए, पूरा आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है। अगर क्लिप पे क्लिक किया तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होगा, ये देखिए ये पूरा चला है। अब मेन चीज़ ये आपको बतानी है
मुझे अभी सारे टूल्स के बारे में बताना है क्योंकि मैं यहाँ का बेसिक्स बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट पुट करके दिखाता हूँ आपको, कोई सा भी। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट के लिए भी मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कैसे करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, सारे इफेक्ट्स कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चले कोई सा भी एक फॉन्ट हम ले लेते हैं अभी, टेक्स्ट कौन सा स्टाइल से रहेगा, ये वाला ले लेते हैं। ये वाला ड्रैग किया, अब टेक्स्ट की जगह पे पुट किया। अब ये देख सकते हैं ये थोड़ा टाइमलाइन छोटा बड़ा है, इसे भी इसके बराबर ले आता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके आगे किया, हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब ये इस नाम को मैंने डबल क्लिक किया, लेफ्ट लेफ्ट का डबल क्लिक, और इसे अब ड्रैग किया, यहाँ यहाँ लगा लिया स्मॉल छोटा सा, ये आप देख रहे हैं येलो निशान, ये छोटा किया। अब इस पर डबल क्लिक, डबल क्लिक के बाद नाम चेंज किया, माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट लिख लिया, अब यहाँ पर पुट कर लिया। अब आपको चला कर दिखाता हूँ प्रोजेक्ट, मैंने खाली ब्लैंक एरिया पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट चला कर ये लोग मुझे दिखाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट तक यहाँ तक रुक जाएगा ये क्लिप, देखिएगा अभी आपको ये बात समझानी है, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आकर रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं चलेगा, देखा जैसे कि मैंने आपको बताया था ये यहाँ तक रुक गया। अब अगर आपने जैसे क्लिप पे क्लिक हुआ है, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, अब ये पूरा चलेगा। अब आपको मैंने तो दिखा दिया ये एनिमेशन और टेक्स्ट लगाना आसान है, अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, दूसरी वीडियो इसके आगे लगाकर हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। हाँ, ट्रांजिशन का पता उन वीडियो एडिटर्स को होगी, आपको नहीं होगी अगर आपने कभी वीडियो एडिटिंग की नहीं। चले एक और वीडियो पुट करते हैं, उठाइए वीडियो, ये यहाँ पर पुट कर लिए। ट्रांजिशन क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एकदम ब्लिंक, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, अब ये ट्रांजिशन कहलाता है, कुछ डिज़ाइन से आपका पलटे। अब ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करेंगे, ये तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, तीसरे ऑप्शन पर क्लिक किया, अब ये आप देख सकते हैं ए से बी तक, यानी कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो तक किस तरीके से जाए। मैं ये 3D पिज़्ज़ा बॉक्स का डिज़ाइन उठाता हूँ, यहाँ पर ड्रैग किया बीच में, ड्रैग करके हो गया, डिज़ाइन आ गया। अब ये आप देख सकते हैं, ये अभी आपको इस स्लो मोशन में दिखाता हूँ, प्ले, ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन अभी थोड़ा हैंग हो रहा है आप, लेकिन आप जब आउटपुट निकालेंगे तो आपका फिर सारा भले हाई रेजोल्यूशन में रखें फिर भी आपका काम करेगा। अब इन वीडियोज़ को इससे मैच कर लीजिए, इससे मैच मत कीजिएगा, इससे मैच कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आपका जब ये दूसरी वीडियो की तरफ जाने लगे तो ये चीज़ें गायब हो जाएं। अब ये भी चीज़ हो गई ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी वीडियो लग रही है, यानी कि सिंपल मीन्स इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इफेक्ट का मीन्स अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ आपको बतानी है इफेक्ट्स। यहाँ पर आप इफेक्ट्स देख रहे होंगे, इस पर क्लिक किया फिल्टर, अब इसमें आप देख सकते हैं बबल्स, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें क्या है, अब पुट कर गई दिखा देता हूँ आपको। बबल्स अभी पुट किया, क्लिक लेफ्ट क्लिक और यहाँ लगा दिया, आप देख सकते हैं ये बबल्स की मैं बात कर रहा था, अब ये एनिमेट होंगे वीडियो के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर धुआं का भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी भी वीडियो को कट करना हो, इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, इस क्लिप पर, और ये कट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये कट कर लीजिए, हो गया, दूसरा हिस्सा भी इसका बन गया। और डिलीट करना है तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन है, या फिर डिलीट कीबोर्ड में एक बटन होता है वो दबा लीजिए, ये कट हो गया। या फिर इसे कट होने का फ़ायदा नहीं है, साइज़ हम लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करके काटा है, अगर मैंने क्लिक ना किया तो क्या होगा देख लीजिए, मैंने क्लिक इस पर किया नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट है ये, अब इस पर ये होगा, अगर ये कट का ऑप्शन आया तो ये सब चीज़ों को काट देगा, ये देख सकते हैं आप, ये अभी वीडियो को ही काटेगा, क्योंकि जो भी वीडियो होगी ना उसी को काटा जाएगा, क्योंकि आवाज़ और ये टेक्स्ट कट ही नहीं सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपसे गलती से कुछ चीज़ कट गई या हुड़ गई, डिलीट हो गई, तो आप सिंपली ये बटन देख रहे हैं अंडू, अंडू का ये दबा लीजिए, या फिर आप Ctrl+Z ये दबा लीजिए, फिर भी आपका काम हो जाएगा। चलें अब एक साउंड इफेक्ट पुट करके आपको साउंड इफेक्ट भी सुना दूँ, एक साउंड इफेक्ट प्ले किया, ये आप साउंड इफेक्ट देख रहे हैं। अब ये साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पुट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के इस आवाज़ में, माइक्रोसॉफ्ट जब इस तरफ, ये देखिए स्टार्ट में पूँ आवाज़ आ रही है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट का प्ले करके देखता हूँ, ये
यहाँ पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट लुका, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर यह आवाज़ पुट कर लूँगा, अब आपको सुनाता हूँ। अब ये अभी तो हैंग हो रहा है, आपको अभी कन्वर्ट करके वापस दिखाऊंगा सारी चीज़ें। अब ये तो हो गया साउंड इफेक्ट लगाना, अब म्यूज़िक का क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो म्यूज़िक, इस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई है, ग्रुप के अंदर ग्रुप है और इसके अंदर एक मिसाल के तौर पर क्लासिकल म्यूज़िक, इसके बाद कोई सा भी एक सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद उसका एक बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा। अब इसे एड टू टाइम लाइन कर लीजिए, ये आ गया, अब यहाँ पर पुट कर लीजिए, सेट कर लीजिए सेटल, ये लेफ़्ट क्लिक करके होगा, कम छोटा यहाँ कर लिया। अब ये देख सकते हैं प्ले करके मैं दिखा देता हूँ, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बैकग्राउंड मैंने बता दिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है। अब ये आपको सारा काम हो गया है, क्लियर होगा, तकरीबन मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब एक और चीज़ ये भी आपको बता दूँ, ये है यहाँ पर सिर्फ कलर पैटर्न्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि वही एलिमेंट्स मैंने बोले थे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। और ये सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर एनिमेशन का कोई काम नहीं है, पहले से आपके पास एक चीज़ दी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ डिज़ाइन आएगा। आपको एक प्ले करके दिखा देता हूँ, ये एक टेम्पलेट है पूरा, एक पहले से बना हुआ, ये देखिए एक बना हुआ, बस आपको पिक्चर पुट करनी है अपनी, इसमें कोई एनिमेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी सिर्फ पिक्चर्स के लिए। यहाँ पर एक पिक्चर आती है, यहाँ पर इतने सारे टेम्पलेट है, ये सिर्फ स्टार्टिंग का बता रहे हैं, ये मिडिल एंडिंग और ये पूरा कंप्लीट टेम्पलेट है, इसमें कंप्लीट भी आप देख सकते हैं, इसमें बस पिक्चर्स पुट करनी होती है। अब ये आप कैसे करेंगे टेम्पलेट, बस इसे उठाएं और यहाँ पुट कर लीजिए, 1 2 एक चीज़ आएगी, उस पर क्लिक करके आप पिक्चर्स पुट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, ये देखिए ये पूरा आ रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था, ये देखिए म्यूज़िक के साथ सब कुछ आ गया है, 1 2 की जगह बस आपको ये पुट करना है। अब मैंने ये गलती से पुट कर लिया, अब मैं क्या करूँ, Ctrl Z जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, अब ये मेरा काम हो गया। अब बस ये आप देख सकते हैं ये छोटा क्यों हो गया, क्योंकि वो टाइमलाइन बड़ी थी, यानी कि वो कंप्लीट बना हुआ था। अगर आपको ये जूम इन करना है, अब ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड्स में तक आपको बता रहा है, और जूम इन करना है ये आप माइक्रो सेकंड्स में बता रहे हैं, मिली सेकंड्स में, यानी कि आप बारीकियाँ भी इसमें एडिट कर सकते हैं, बारीक से बारीक। अब ये देखें, ये तो आपको बेसिक एडिटिंग बता दी है, सिर्फ अब कन्वर्ट करने का टाइम रह गया है। शेयर में क्लिक किया, शेयर में क्लिक करने के बाद ये आएगा, ओके मेरे में आता है सिर्फ। अब MP4, अगर आप यूट्यूब में अपनी वीडियो छोड़ते हैं तो MP4 में कीजिएगा, मेरा बोलना ये है, बाकी ये ऑडियो बाकी फॉर्मेट्स भी हैं अगर यूट्यूब पे छोड़ते हैं तो। अब यहाँ पर मैंने बोला था जैसे कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप 720 भर लेना कीजिए, 1920 हाईएस्ट रेजोल्यूशन क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नाम कोई सा भी लिख लीजिए, ब्राउज पर क्लिक कीजिए, जहाँ आपको सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप फाइल यहाँ पर ही सेव करना है, सेव। अब ये देखिए सब कुछ सेट हो गया, 1920 आपने 15 Mbps MPG4 पे क्लिक करना है, ये सारा हो गया, स्टार्ट पे क्लिक किया। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखिए अब ये हो चुका है पूरा कंप्लीट कन्वर्ट, तकरीबन 3-5 मिनट लगे हैं इस कन्वर्जन में, ओके क्या। अब ये नीचे क्या मिनिमाइज, अब फाइल में गया, कोई खास इतनी वीडियो अच्छी तो बनी नहीं, लेकिन मैंने आपके वो सिर्फ बेसिक समझाना है, और बेसिक्स भी इतनी कोई खास नहीं थे, वो बस आपको दिखाने के लिए जैसे ज़रा सा भी आता नहीं वीडियो एडिटिंग सिखाना। अब ये मैंने ओपन किया, ये तकरीबन 18 MB की फाइल बनी है, MP4 1920 1080 रेजोल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब फास्ट चल रही है बिल्कुल, ये बस इतनी सी वीडियो आपको समझाने के लिए मैंने ये दिखाई थी, बस इतनी कोई खास बनी नहीं खैर, लेकिन खैर जिसे बेसिक समझ आ गई है वो सही है। अब मैं अपनी बाकी अगली दो वीडियो बनाऊंगा, ये नेक्स्ट दो वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, वो कस्टमाइज यानी कि खुद का मोशंस कैसे क्रिएट करते हैं और आप खुद के टेक्स्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशन और टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब तक के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मुझे लगता है ये बाकी वीडियोस से थोड़ी बोरिंग थी क्योंकि ये आसान था बिल्कुल, अगर अच्छे लग गए तो लाइक भी कीजिए, और कोई सवाल हो, कोई कुछ बात समझ ना आए हो तो कमेंट्स कीजिए, और अगर इस तरीके की आपको वीडियोस मज़ीद चाहिए, इस तरीके की क्या इससे अच्छी भी मिलेगी चाहिए, तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा।